सो गाइस तल्ला भाई का न्यूड आ चुका है तो देखते हैं। स्वागतम टू अनदर वीडियो फाइनली गॉड वेली। स्वागतम टू अनदर वीडियो। आफ्टर 4 इयर्स हमारे सामने आ रहा है गॉड वेली के अंदर जो हुआ वो सब कुछ। और ये वाले चैप्टर 1095 से स्टार्ट हो रहा है। मैं तो चैप्टर नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा उन्होंने बॉम्ब को लिया और ऐसे छोड़ दिया। पहले से हम लोगों को पता है एगर्ड में कितना सब कुछ चल रहा है, कितने बड़े बड़े कैरेक्टर्स के नाम जुड़ गए, जैसे काइनो करता रहता है। अगर कोई कुछ बोलता भी नहीं है फिर भी वो बोलता रहता है। लुफी के सामने किजारू है, लुफी के सामने सैटर्न है, स्टिल लुफी चुप है। इसका मामला बहुत ज्यादा सीरियस है। मोस्ट ऑफली ऐसा हो सकता है लुफी ने फाइनली रियलाइज किया जो हमारा सैटर्न है ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। शायद फील किया जो सैटर्न ये बहुत बड़ा खतरा है। स्ट्रॉ हैट्स या फिर कुछ अलग भी हो सकता है, हम लोगों को पता है लुफी इज अ जॉयफुल, लुफी इज अ निका मैन। तो उसके अंदर वो जो निका वाली बात है, मे बी दैट निका फेल्ट समथिंग, कुछ अलग ऑरा फील किया जो हमारे सैटर्न से आया। मोस्ट ऑफली सैटर्न के साथ जॉयफुल का बहुत पहले भी कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। मैं इसलिए बोल रहा हूं ऐसा हो भी सकता है जो सैटर्न ये बहुत पहले से है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है लुफी यहां पर चुपचाप है बिकॉज वो एंशियंट रोबोट के साथ कुछ बातचीत या फिर कुछ ना कुछ कर रहा है। हम लोगों ने ऑलरेडी वन पीस के अंदर देख के रखा है लुफी कैन टॉक टू अदर थिंग्स सच एज सीकिंग, जो हम लोगों ने बहुत पहले देख के रखा है वो आवाज सुन सकता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने आगे देखा सैटर्न की जो मिस्ट्रियस पावर है उसकी वजह से वेगा पंग, बॉनी, सांजी और फ्रैंकी जो है वो एकदम से हिल नहीं पाते, वो एकदम फ्रीज हो गए थे। अब ये पावर स्किल कुछ अलग लेवल पे चल रही है बिकॉज देख के हेड एक्सप्लोर होना, फिर सांजी और बॉनी को नॉकआउट करना, सर से खून निकलना, और अभी वो लोग हिल भी नहीं पा रहे। अभी जो मिस्ट्रियस पावर है ये देख के तो 100% कंफर्म है ये उशी होनी से ही आया भाई, बिकॉज यहां पर क्लियर लिखा है उशी होने माउंटेन रोलिंग बीस्ट। उसके साथ अगर कोई हाई ट्रैवलर का आई कांटेक्ट कर ले फिर वो लोग अपनी नजर नहीं हटा पाते, वो एकदम से वहीं पर फ्रीज हो जाता है और उनका जो सोल और एनर्जी वो एकदम से ड्रेन हो जाती है और वो लोग मर जाता है। और इस वाले पावर को बोला जाता है कागे वोको या फिर कागे वोनोमो, जिसका इंग्लिश मतलब है ईटिंग द शैडो और ड्रिंकिंग द सोल। जिस तरह से सेटअप अपना पावर यूज कर रहा है ये देखो तो पता चल गया कि उशी होनी से आया। सब कुछ तो एकदम सेम नहीं है कि सोल जो है वो एकदम बाहर आ जाएगा, तो नहीं तो एकदम बिग मॉन्स्टर हो जाएगा। मोस्टली सोल और एनर्जी के बदले जो हाकी है मे बी वो एकदम सैटर्न ड्रेन कर लेता है और जो बंदे है वो एकदम से नॉक आउट हो जाता है। ब्रो दिस पावर इज अ सीरियस बिजनेस एंड आई हैव नो आईडिया उसे हराने कैसे वाला है। इसके बाद हम लोगों ने देखा वेगा पंग बोलता है ये कोई साइंटिफिक पावर नहीं, तो ये जरूर डेविल फ्रूट एबिलिटी है। हम लोगों ने देखा जो सैटर्न है वो एकदम बॉनी को पकड़ लेता है एंड स्क्वीज करता है। सैटर्न स्क्वीजिंग बॉनी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। सैटर्न ने हमारे कुमा को बकनियर रेस बोला, दैट मींस हमारे कुमा के अंदर जायंट का खून है। अब यहां पर ओरनी इंट्रोड्यूस कर रहा है, मेरे को लगता है ये आगे जाके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। ये बकनियर जायंट यू नो कनेक्शन बनता है और जायंट का कनेक्शन तो बहुत पहले से, और अभी हम लोग नेक्स्ट वाले आर्क के अंदर हम लोग जाने वाले एल्वर्स में, जहां पर ऑफ कोर्स जायंट्स के राज है, जायंट्स रहते हैं, हम लोग को बहुत कुछ पता चलने वाला है। बट बकनियर रेस एंड जायंट्स यहां पर इस वाले आर्क के अंदर बहुत ही अच्छे से जायंट्स बकनियर रेस सारी चीजों के बारे में बता रहा है, जो नेक्स्ट वाला आर्क के एल्वर्स उसको एकदम बिल्ड अप करने के लिए। बकनियर से मेरे को याद है जॉय मोस्ट ऑफ ये बकनियर, क्योंकि ये बात बहुत पहले से चल रही है जो हमारा जॉय वो है वो बहुत एकदम जायंट है, जायंट हाइब्रिड टाइप का कुछ है। ये बात शायद तुमने भी सुन के रखा है। इसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है वो स्ट्रॉ हेड, जो हम लोगों ने बहुत पहले देख के रखा है जिसकी तरफ इमो देख के खड़ा था। वो इतना बड़ा स्ट्रॉ हेड तो किसी किसी का होगा यार, हम लोगों को पता है वो कौन है, ऑफ कोर्स वो जॉय बॉय है। जॉय बॉय वाज अ बकनियर, ही वाज अ जायंट, बट तुम लोग बोल सकते हो जायंट हाइब्रिड टाइप का समथिंग। अभी अपन कुमा बकनियर रेस है हम लोगों को पता चली के साथ साथ, मेरे को लगता है हमारा व्हाइट बियर्ड है वो भी मोस्ट ऑफली बकनियर रेस का पार्ट है, नॉट ओनली व्हाइट बियर्ड के साथ साथ बिग मॉम इज आल्सो बकनियर का पार्ट है, बिकॉज़ दे हैपन टू बी वेरी लार्ज चिल्ड्रन दैट ग्रो अप ऑन वर्ल्ड गवर्नमेंट अनअफिलिएटेड आइलैंड, जिस कारण व्हाइट बियर्ड बिग मॉम के ब्लड टेस्ट के बारे में दुनिया वालों को पता ही नहीं। हां अभी तुम लोग पूछोगे ब्लड टेस्ट से क्या, बिकॉज़ आगे के पैनल में ब्लड टेस्ट के बारे में पता चलता है। आगे हम लोग देखते हैं कुमा के जो ब्लड टेस्ट का इंफॉर्मेशन है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के सामने एकदम लीक हो जाती है। उसके बाद एकदम से कुमा और उसे पूरे फैमिली को कैप्चर करके स्लेव बना लिया जाता है मैरिज के द्वारा ड्यू टू देयर स्ट्रेंथ। आगे हम लोग देखा कुमा की मॉम के देहांत होने के बाद कुमा का जो बाप है वो उसको लेजेंड निका के बारे में बताता है। कुमा का बाप कुमा को बोलता है जो जॉय बॉय है वो एक लेजेंड है दैट हैज बीन पास्ड डाउन अमंग बकनियर रेस मेंबर्स। जो कुमा का बाप है उन्होंने खुद निका का जो ड्रम रिदम है वो बजाया और कुमा के लिए नाचना शुरू कर दिया, बट सडनली उसको एकदम सर पे गोली मार के मार दिया जाता है बिकॉज उसको ज्यादा इनोइस कर रहे थे कुमा का बाप। दैट वाज एक्चुअली सैड कि अपने आंखों के सामने अपने बाप को खोना, स्पेशली उस वाले मोमेंट पे जहां पर वो खुश थे नाच रहे थे फॉर कुमा और निकोस ड्रम रिदम ऑफ कोर्स। ये सैड है, बहुत ज्यादा सैड है। कुमा हैज बीन सफरिंग फ्रॉम अ लॉन्ग वेरी लॉन्ग टाइम, बचपन से उसको सेलेस्टियल ड्रैगन का कुत्ता बना दिया, वो अपनी मां को खो दिया और अपने बाप को खुद देख अपने आंखों के सामने मरते हुए। अभी ऐसे एक चीज क्लियर है कुमा के साथ निका का कनेक्शन बहुत ही ज्यादा डीप है, एटलीस्ट कुमा के लिए, नॉट फॉर निका ऑफ कोर्स, बिकॉज कुमा के बाप ने बचपन से निका की स्टोरी उसको सुनाते हुए आया, हीरो बताते हुए आया, निका का जो ड्रम रिदम है उसके ऊपर नाच के दिखाया। कुमा के बाप के मरने के बाद कुमा ने हमेशा या निका को एज अ हीरो दिखाया, इवन बॉनी को उसकी स्टोरी सुनाया, इवन नाच के भी दिखाया, जो हम लोग को इस वाले चैप्टर के अंदर पता चला। उसके बाद जो किया उसने सेम किया। तो मैं सोच रही है कुमा की एंट्री होने के बाद क्या होने वाला है, फाइनली जो निका को देखने वाला अपनी आंखों से तब कुमा का रिएक्शन क्या होने वाला है, नो आइडिया। ऐसा हम लोग को लगता है कुमा जाते जाते हमारी मदद करके जाएगा, जो निका है जिसकी स्टोरी बचपन से सुना है, जो हीरो है उसको बचा के जाएगा, उसकी मदद करके जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, बिकॉज यहां पर हमारा सैटर्न जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और हम एग्जॉस्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा, एंड सैटर्न से स्केप करना भी फिलहाल हमारे लिए मैं नहीं देख रहा कि पॉसिबल है। अगर कोई थर्ड पार्टी ना आए तो अब कुमा के काम कर सकता है, अपना जो विल है, अपना जो पावर है, वो सब कुछ वो जो एंशियंट जायंट रोबोट है उसके अंदर ट्रांसफर कर सकता है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली वो हमको हेल्प करने वाला है टू एस्केप दिस एगेट आइलैंड। कुमा के अंदर जो विल है वो एंशियंट रोबोट के अंदर चला जाएगा एंड वो फाइट करने वाला है सैटर्न से, जो एक्चुअली एक पेबैक रहेगा कुमा की तरफ से, बिकॉज कुमा को उसने बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया।
कुमा मस्ट फाइट। बाकी पर तुम अपना ओपिनियन बता सकते हो, व्हाट डू थिंक अबाउट कुमा, वो क्या कर सकता है फ्यूचर। उससे बात कर 238 ईयर जो तेंजु बीतो का एमसी है, वो एक्सप्लेन करता है हर 3 साल में जो तेंजु बीतो है वो मरीजेस से नीचे आता है और एक ह्यूमन हंटिंग गेम शुरू करता है, वो भी नॉन गवर्नमेंट आइलैंड पर। जितने प्रॉब्लमेटिक स्लेव्स है उन लोगों को तेंजु बीतो एकदम से आइलैंड पर रिलीज कर देता है और एकदम से वाइप आउट कर देता है ब्रो। जिस आइलैंड पर वो स्लेव्स को वाइप आउट करता है उस वाले आइलैंड के अंदर जो नॉर्मल लोग है वहां पर जो रहते हैं उन लोगों को मार देता है। तेंजु बीतो पूरे आइलैंड को मार के खाली कर देता है एंड बाद में जाकर जो गवर्नमेंट है उस वाले आइलैंड को अपने अंडर में ले लेता है। सिस्टम भाई, उस साल में तेंजु बीतो ने जिस आइलैंड को चूज किया था उसका नाम था गॉड वैली, द लैंड विद मेनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज दैट डेयर टू यूज द वर्ल्ड गॉड इन इट्स नेम। गॉड वैली का जो किंग है उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की बट हमारा जो सेंट फिगरलैंड गार्लिंग है उन्होंने किंग को मार दिया। यहां पर जो गॉड वैली इतने टाइम से हम लोग सुनते हुए आ रहे, इतना बड़ा जगह, इतना खतरनाक एंड ऑल सा जगह था, ये कुछ स्पेशल कुछ नहीं था, जस्ट रैंडम आइलैंड जहां पर वैल्यूएबल रिसोर्सेज थे जिनका नाम वैली था बट इन्होंने डेयरिंग दिखाते हुए अपनी जगह के आगे बस गॉड लगा दिया एंड इट बिकेम गॉड वैली, जस्ट एन ऑर्डिनरी आइलैंड। बट इसको फेमस किसने किया? ऑफ कोर्स वो जो वार हुआ इसके अंदर उसकी वजह से गॉड वैली जो आइलैंड है वो एकदम फेमस हो गया। वो इंसिडेंट हम लोगों को पता है, रॉजर एंड गार वर्सेस रॉक पायरेट्स जो पूरे दुनिया को हिला के रख दिया, जिसके बाद एकदम से गॉड वैली जो आइलैंड है वो वैनिश हो गया। अभी मत बोला, फिलहाल गॉड वैली का जो किंग है उनको मार दिया गार्लिंग ने एंड अभी फिलहाल गार्लिंग पूरे गॉड वैली का राजा है, सब कुछ उसके कंट्रोल में है, वो वहां का अभी फिलहाल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। अभी हम लोगों को पता चलता है गेम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ बट जो गार्लिंग है सारे के सारे तीन भी तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चैंपियन होने वाला है। जो हमारा यंग गार्लिंग है वो बहुत ज्यादा हैंडसम था विद हाफ मून हेयर नो बियर्ड, और हमारा यंग गार्लिंग शांग से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, तो सम पीपल थिंक ये शांग का कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ यू नो गार्लिंग है वो शांग का बाप हो सकता है, बहुत डब्बा मिला, डब्बे से मिल गया शैंक्स, वहां से पाया तो गॉड वैली का प्ले बिग 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 पार्ट भाई। इसके बाद हमने सैटर्न को देखा गॉड वैली में एंड वो एकदम सेम दिख रहा था, अभी रिसेंट टाइम में वो जैसा है 30 इयर्स अगो वो एकदम सेम था, ये एक मेजर रिवील है भाई। यहां से हम लोगों को पता चलता है जो सैटर्न है जो गुरुसाई है उनकी एज वहां के वहां रुक है, उनकी एज आगे नहीं बढ़ती, उनकी एज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके रुक गई और यू कैन कॉल देम इमॉर्टल बिकॉज आज से ऑलमोस्ट 40 साल पहले हमारा सैटर्न अभी जैसा है तब भी एकदम वैसा था, तो अभी से क्लियर हो जाता है जो सैटर्न है जो गुरुसाई है उनकी एज आगे नहीं बढ़ती वो वैसे के वैसे। और यहां से तो और भी एक चीज कंफर्म हो ही जाता है कि जो हमारा हीरो है मेन विलेन वो एकदम जॉय बॉय की इरा से है, वो तब से लेके अभी तक सर्वाइव करते हुए आ रहा है, तो ये रिवील मतलब मेरे को लगता है इमो के साथ साथ जो फाइव एल्डर्स है जो गुरुसाई है वो भी एकदम इमॉर्टल है, उनकी एज भी आगे नहीं बढ़ती वो एकदम वैसे के वैसे ही। एंड दैट कुड आल्सो बी द रीजन कि हमारा जो लूफी है वो एकदम एक सिंगल वर्ड तक भी नहीं बोला पूरे चैप्टर के अंदर, जैसे मैंने पहले बोला मोस्टली उसके अंदर जो निक्का जो सन गॉड है शायद कुछ ना कुछ इनो सेंस किया गुरुसाई को देख के एकदम डर गया हो सकता है बहुत कुछ। अब उनकी इमॉर्टलिटी का राज यार पता नहीं कैसे क्या ये एज आगे नहीं बढ़ रही है, ऑलरेडी करना मुश्किल है बट आई थिंक दे गेन देयर एजिंग फ्रॉम दैट जायंट स्ट्रॉ हैड समहाउ, मेरे को इतना भी लग रहा है भाई, लाइक कोई एनर्जी हाकी या फिर कुछ इनो वहां से ड्रेन कर रहे अपने ऊपर। अभी कुड आल्सो बी पॉसिबल दैट टेक इन द पास्ट ट्रांसेंडेड द प्रेजेंट, सो इट्स आल्सो पॉसिबल द होल कैसल इज ओपीओपी फील्ड ऑफ एज स्टॉपिंग, ऐसा हो सकता है कैसल के मोस्ट उनका जो एज है वहां पर रुक जाता है बाहर आने के बाद, इट डजंट वर्क एंड द रीजन कि इमो और गुरुसाई जो है बस वही लोग वहां पर रहते हैं और कोई नहीं। बाकी तो मेरी छोटी मोटी थ्योरी बिकॉज़ अभी ये एज स्टॉपिंग वाली चीज को लेकर मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, या फिर हो सकता है जो हमारी इमो है कुछ ना कुछ पावर वगैरह परफॉर्म करके रखा है गुरुसाई के ऊपर जिसकी वजह से उनका जो एज है वो एकदम रुक चुका है भाई, नहीं तो यार अपनी एज एक पर्टिकुलर नंबर पर रुकने की यार और कोई वे मैं नहीं देख रहा। उसके बाद हम दो मिस्टीरियस कैरेक्टर्स के शैडोज देखते हैं और उनमें से एक मिस्टीरियस कैरेक्टर बोलता है होल्ड राइट देयर यू गाइस तुम जरूर बकिनियर हो, आई सी व्हाट दे मीन यू आर इंडीड ह्यूज, वो लोग बोल रहे हैं तुम्हारे अंदर जायंट्स का ब्लड है, और वो दो मिस्टीरियस शैडोज कोई और नहीं थे, एक है हमारा यंग एकदम इवान जो एकदम यंग वाला वर्जन भाई काफी ज्यादा अलग है दिखने में तो सेम है बट साथ एक लड़की जिनका नाम है जिनकी शॉर्ट हेयर स्माइलिंग गर्ल एंड शी इज ईटिंग ए पीस ऑफ मीट, फिर हमारा इवान को कुमार के साथ बात करता है और इवान को बोलता है आई चूज टू लिव व्हाट अबाउट यू, और इसके साथ साथ ये चैप्टर यही पर खत्म हो जाता है। और चैप्टर ब्रो मेरे को पता है मेरी वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो गई, मेरे को लंबी वीडियो बनाना पसंद है बिकॉज एकदम डिटेल्स में तुम लोगों को सब कुछ पता चलता है, मैं खुल के बात कर पाता हूं, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मेरे को सब कुछ खुल के बातचीत करना था, अभी मेरे को बहुत कुछ बोलना है तुम लोगों को। यहां पर हम लोग को एक सिंगल आइडिया तक नहीं था कि जो इवान है वो खुद एक स्लीप था पहले यार, और इवान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे कुमार को यार गॉड वैली पर मिलता है क्या बोलता है, मैं तो सोच रहा मैं जीने वाला हूं तुम अपना बताओ कुमार, कुमार के अंदर वो स्प्लिट है बिकॉज वो हमारे निकल का हीरो मानता है, तो मोस्टली उसके बाद हमारा जो कुमार है वो इवान को जॉइन करता है गॉड वैली पे था, हमारा ड्रैगन सब लोगों के साथ मिलकर रिवोल्यूशन जो आर्मी है वो शायद फॉर्म होने वाला एंड ऑल इट ऑल स्टार्टेड इन गॉड वैली ब्रो। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, वो मिस्टीरियस कैरेक्टर जिसके बारे में वाले चैप्टर के अंदर बोला गया जो शॉर्ट हेयर में है स्माइल कर रही थी और हाथ में पीस ऑफ मीट थी जो वो खा रही थी, और ये देखने के बाद बहुत सारे लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये लूफी की मॉम है, शी इज लूफीज मॉम बिकॉज ये आज से ऑलमोस्ट 40 साल पहले की कहानी है और इवान की उम्र 15 या 16 का होगा, तो हमारा ड्रैगन भी आसपास की उम्र का ही होगा एंड वो भी आसपास की उम्र की है, तो यहां से कनेक्शन बनाता है, तो लोग बोल रहे हैं कि शी इज लूफीज मॉम बिकॉज हाथ में एक पीस ऑफ मीट एंड वो खा रही है स्माइल कर रही है, लूफी हमेशा हंसता रहता है खाता रहता है, बट मेरे को लगता है कि वो लूफी की मॉम है, हो सकता है कि वो है बट मेरे को उतना नहीं लग रहा बिकॉज आई फील लाइक कि वो यू नो
बॉनी की मॉम है, बिकॉज़ उनका नाम क्या है, जीनी गिनी, जिससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, बॉनी, जीनी गिनी बॉनी। और वो इवान के साथ कुमा को हेल्प करने के लिए आई, तो दैट इज वो एक साथ रहने वाले हैं। हियर आई डोंट थिंक कि वो लूफी की मॉम है, मेरे को लग रहा है कि वो बॉनी की मॉम है भाई। अरे बहुत सारे लोग ये भी ज़ूम कर रहे हैं कि वो क्रोकोडाइल है, ये बढ़िया होता है क्रोकोडाइल होता है, बट ये क्रोकोडाइल नहीं है, क्रोकोडाइल की वो बचपन वाली लुक हम लोगों ने ऑलरेडी देख के रखा है। नो भाई पागल हो गए, हर जगह क्रोकोडाइल घुसा दे लूफी की मॉम बना दे। क्रोकोडाइल क्या दिखता है भाई चश्मे के साथ? यार रुक जाओ, ये क्लियर है भाई, बॉनी की मॉम है, डोंट मिस इट। और यहां तो नेक्स्ट चैप्टर ब्रेक है, तो थोड़ा कुछ खतरनाक को कर रहा है फॉर नेक्स्ट वन। और जहां से स्टोरी ये रुकी फ्लैशबैक की, तो इतना तो श्योर है कि यहां से कंटिन्यू होने वाली है, बिकॉज़ जो गेम चलने वाला है, शुरू होने वाला है, वो गेम हम लोग देखने वाले हैं। और यहां पर एक सवाल भी दिमाग में आता है, गॉड रियलिटी के अंदर यार रॉजर गार्ड फिर जो बाकी लोग हैं, यू नो रॉक पायलट शायद वो मॉम बोलो क्या क्या कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट जितना मेरे को लग रहा है, जो गेम कॉलिंग में स्टार्ट होने वाली वन वन बैटल वगैरह, उस गेम का जो प्राइस है कुछ खतरनाक प्राइस होने वाली है, मोस्ट प्रोबब्ली खतरनाक डेविल फ्रूट्स और समथिंग। पर हम लोग को ऑलरेडी पता है जो बिग मॉम है, उन्होंने खुद ही कायदो को अपना डेविल फ्रूट दिया, तो मेरे को लगता है नॉट ओनली कायदो बट आल्सो व्हाइट बियर्ड, उन्होंने शायद व्हाइट बियर्ड को भी अपना डेविल फ्रूट दिया, और वो जो डेविल फ्रूट्स किसने फ्रूट्स और समथिंग। पर हम लोग को ऑलरेडी पता है जो बिग मॉम है, उन्होंने खुद ही कायदो को अपना डेविल फ्रूट दिया, तो मेरे को लगता है नॉट ओनली कायदो बट आल्सो व्हाइट बियर्ड, उन्होंने शायद व्हाइट बियर्ड को भी अपना डेविल फ्रूट दिया, और वो जो डेविल फ्रूट्स वगैरह है मोस्ट प्रोबब्ली गॉड वैली से आया। ब्रो मे बी इस गेम का जो प्राइस है वो शायद सब लोग का ट्रैक किया, वो देखने के लिए आया, जस्ट लाइक ड्रेस वगैरह के अंदर वो जो 1v1 बैटल हम लोगों ने देखा, फाइट वगैरह सब कुछ कर, टूर्नामेंट चल रहा था, एंड जो डेविल फ्रूट है हमारे एस का वो एकदम एज ए प्राइस रखा गया था, सारे के सारे लोग बहुत अलग अलग जगह से आए उसको जीतने के लिए, फाइनली हमारे सबको वो मिला। पर सिमिलर सीन हो सकता है मोस्ट प्रोबब्ली, पर ये ऑल आउट वार कैसे हुआ नहीं हुआ इसके बारे में बातचीत करने लग, बहुत सारी चीजें हैं, बट ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो गई और मैं लंबा नहीं खींचना चाहता वीडियो को, ये सारी चीजों के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। बट यू वन पीस फैंस यहां तक वीडियो देख रहे हो, मेक श्योर यार तुम लोग लाइक बटन दबा रहे हो, तुम्हारा भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर दो, वीडियो चालू कर दिया, हर एक हफ्ते वीडियो लाता तुम लोगों के लिए, तो यार कर दो, चल बना तो यार मेक श्योर तुम सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबा के ऑल पे सेट कर दो यार, पैसे नहीं लगता है, इतनी लंबी वीडियो ऑलरेडी बन गई। हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, वहां पर वही छोटा कुछ सब कर दो, ज्वाइन करके बातचीत करो, मेरा भी अपने बाइक इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। चलो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।